नाउ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। क्वेश्चन आंसर्स। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतौक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? रात के अंधेरे में सितारों से नहाया हुआ गतौक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे ये जादू ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अति दीयता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। प्रश्न 2। गतौक को मेहनत कक्ष बदमाशों का शहर क्यों कहा जाता है? गतौक के लोगों की मेहनत ही थी कि गतौक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम करे हुए है। उसका अथक प्रयास ही उसकी प्रगति की धरोहर को सजाए हुए है। यहाँ जीवन बेहद ही कठिन है और यहाँ पर लोगों ने कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत तक बदमाशों का शहर कहा है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाएं लहराने पर अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यदि किसी बुद्ध निष्ठ की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 10,081 श्वेत पताकाएं फहराई 1,081 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, इसलिए पताकाएं शोक और अन्य कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न 4। जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रगति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी? नारगे के अनुसार सिक्किम में घाटियाँ सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी हुई मिलेंगी। नारगे के अनुसार पहाड़ी रास्ते पर फहराई गई पताकाएं बुद्ध निष्ठ की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। त्वचा का रंग सफेद और रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में भी भारत की तरह ही घूमते चक्र की में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक ही जैसी थी। वहां की युवती बोको नाम पर सिक्किम का परिधान डालती थी जिसमें उनके सौंदर्य की जठा निराली होती थी। वहां के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते थे। वहां लोग रहते थे और काफी मुश्किलों से भरा हुआ होता था उनका जीवन और बहुत ही ऊंचाई पर पहाड़ी पर पढ़ाई करने के लिए उनको जाना होता था। दूर दूर तक स्कूल नहीं थे। इन सब के विषय में नारगे लेखिकाओं को बताया डाला गया है। नारगे के अनुसार सिक्किम के कटाव शहर की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को मात दे रही हुई दिखाई देती थी। क्वेश्चन 5। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी? लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लोग स्टॉक नाम की जगह पर गई। वहां पर एक कुटिया में घूमता चक्र था। मान्यता था कि इसे घुमाने से सारे पापों का नाश होता है, इसलिए लेखिका के अनुसार अब पाप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप और पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं हर जगह एक सी मिलेंगी। ये हर जगह उनके भगवान बदल जाएंगे और पूजा के तरीकों में अंतर हो परंतु विश्वास सदैव एक सा रहता है। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है जहाँ पूरे भारत की एक आत्मा प्रतीत है, ऐसा जान पड़ता है। जितेन मार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए आप बताइए। नारगे कुशल गाइड था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वे एक अच्छा गाइड भी था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक होता है। एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने से भलीभांति परिचित होना चाहिए, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर सक्षम हो देने में। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता पर विश्वास और भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक होता है।
तभी वह आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य कर सकता है। गाइड को कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना करके कुशलता और बुद्धिमानी से ये कर सके कि अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो सके। इसके लिए उसे हर छोटे बड़े प्राकृतिक दृश्यों के बातों का ज्ञान होना चाहिए और उसे रुचिपूर्ण यात्रा करा पाए। एक कुशल गाइड की वाणी भी प्रभावशाली होना आवश्यक होता है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखे। गैंगटॉक के होटल की बालकनी से उसे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती, परंतु मौसम की खराबी के कारण वह उसके दर्शन नहीं कर पाई। पर चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखने से जिसने उसे मोहित कर लिया। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी हुई घाटियां थी। मार्ग जरूर खतरनाक थे, परंतु चारों ओर मनोहारिया आत्मीय सुख देने वाले दृश्य थे। यूम यांग के करीब जैसे जैसे वह बढ़ने लगी, रास्ते वीरान, संतरे और जलेबी के बड़े घुमादार होने लगे। हिमालय बड़ा होते हुए भी अब विशालकाय लगने लगा। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होती गईं, वादियां फूलों से भरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में चल रहे हों। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जल प्रपात थे और वहीं नीचे चांदी की तरह गोद मारती चित्सा नदी, जिससे लेखिका के हृदय को बड़ा ही आनंद भर गया। इस अनुपम दृश्य को देखकर हिमालय के प्रति उसका असीम प्रेम सम्मान के रूप में झुक गया। सेवन सिस्टम वाटरफॉल देखकर तो लेखिका मंत्रमुग्ध ही हो गई, उसका हृदय काम्य हो गया। प्रगति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? प्रगति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम हमेशा की अनुभूति हुई। इन सारे दृश्यों में जीवन के सत्य को लेखिका ने अनुभव किया। हर वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हुई। इस अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति एहसास करा दिया। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वह देश और काल के सर्दों से पूरी बहती धारा बनकर बह रही हो। उसके अंतर्मन की सारी ताम सिकताएं और सारी वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गईं और वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आम्य सुख का अनुभव करती रही। प्रश्न 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका का कौन कौन से दृश्य झंझोर गए? लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य तो उसे इस आनंद में भूल चुके थे। अकस्मात वहां के जनजीवन से उसे पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, हाथों में कुदाल वह तोड़े थे, कईयों के पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत ही दुख हुआ कि हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता। इसके लिए भोजन मात्र पाने का साधन है और हमारे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। दूसरी बार उसकी जादुई निंद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी पर बच्चों को उनकी लिफ्ट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल जाने पढ़ने जाने पड़ता है। स्कूल के पश्चात वह बच्चे मवेशियों को चराते हैं और लकड़ियों के गट्ठर बनाकर ढोते हैं। तीसरे लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्कम ही परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा, वो को पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था जिसने उनके मद्र भुक्त कर दिया। उन्हें मेहनती करती हुई इन बालिकाओं का सौंदर्य ऐसे है लगने लगा। प्रश्न 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान रहा उल्लेखनीय कीजिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी वे अनुभव से सैलानियों को प्रकृति और स्थान के दर्शन कराता है। वहां उनके द्वारा छटा के अनुपम दर्शन
क्योंकि यदि ये ना हो तो उस स्थान पर नीरस और बेजान लगने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपने मित्रों और सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा को रोमांचकारी और आनंदमय बन जाती है। 11. कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इसका धन पर आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका निभाती है। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उससे आधा भी प्राप्त नहीं कर पाती, परंतु फिर भी असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं परंतु बदले में उन्हें स्वयं मात्र को अंश भी प्राप्त नहीं होता। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इन्हीं के श्रम के कारण देश की आर्थिक प्रगति बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर कि लोग पर्वतों या मुश्किल स्थानों पर कार्य ना करें, मार्ग बनाना आसान नहीं होगा। हम कैसे सैनानियों को घुमाने के स्थानों पर पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सैनानियों से प्राप्त पैसों से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं अपितु सभी क्षेत्रों में आम जनता की भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रगति के प्रगति में किस तरह का छेड़खानी की जा रही है, इसको रोकने के लिए आप क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रगति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल रसायन होते हैं, उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। साथ ही घरों में निकला हुआ दूषित जल भी नदियों में जाता है, जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार दूषित होती जा रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक नहीं हो रहा, इसका जीवन उदाहरण यमुना नदी है जो आज नाले में बदल गई। वनों के अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होने जा रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। प्रश्न 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कभी कभी जिक्र किस प्रकार किया गया है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। जलवायु का इस प्रकार बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता होती जाती है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। कहीं पर बारिश नाम मात्र के लिए होती है, जिस कारण गर्मी में कमी होती है। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते नहीं बनती, कई बार तो पारा अपने रिकॉर्ड से को भी तोड़ देता है। सर्दियों के समय तो कम सर्दी पड़ती है, कभी सर्दी का पता नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ पीने को जल नहीं मिल पा रहा है। पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य के कान संबंधी रोग हो रहे हैं। कटाओं पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन में पक्ष में आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। यदि अधिक दुकानें खुली होंगी तो सैनानियों का अधिक आगमन आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण उनकी सुंदरता पर भार पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वाहनों की अधिकता का प्रयोग वायु प्रदूषण को बढ़ा देगा। सैलानियों के द्वारा जगह जगह पर इस्तेमाल किए गए जाएंगे, इससे दुकानों के लिए वरदान से कम नहीं है। प्रगति के जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। प्रगति सदियों के समय में पहाड़ों पर बर्फ बरसा देती है, और जब गर्मी शुरू हो जाती है तो बर्फ पिघलना नदियों को जल से भर देती है, जिससे गर्मी से व्याकुल लोगों को गर्मियों में जल की कमी नहीं होती। यदि प्रगति ने बर्फ के माध्यम से जल संचय की व्यवस्था ना की गई होती तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति संभव नहीं थी।
देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारे सैनिक भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहां पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है, वहां नसों में खून का जमा कर देने पर ठंड होती है, वह वहां सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं, वे हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, एक सजग प्रहरी की तरह सीमा की रक्षा करते हैं, हमें चाहिए कि हम उनके और उनके उन कर्तव्य को निभा करते हैं, उनके परिवार वालों का ध्यान उसी प्रकार रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, सदैव उनको अपने से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी जगह हो, इसके द्वारा हम कुछ भी हद तक अपने कर्तव्य का निभा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।